हेलो ऑल, वेलकम टू टिटी गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.3 से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3x = 2x + 18। इस एक्सरसाइज में आपको दोनों तरफ वेरिएबल दिखेंगे, दोनों तरफ मतलब LHS साइड एंड RHS साइड पे आपको वेरिएबल दिखेंगे। अगर दोनों तरफ वेरिएबल रहेंगे, वही इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 3x = 2x + 18। हमारा रूल क्या कहता है, मतलब वेरिएबल को हम एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। तो वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, 3x - 2x, और कांस्टेंट को एक साइड रख देंगे। नेक्स्ट 3x - 2x कितना, x = 18। उसके बाद आपके बुक में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको चेक करना है। चेक मतलब देखो, x तो 18 आ गया, अभी आपको क्या करना है, राइट पे आपको दिखाना है। मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, बाकी का आपको सॉल्व करना है एक एक करके। जैसे कि x = 18 है, ठीक है, हमारा एक LHS साइड है। आप LHS = कितना लोगे, 3 × 18, जो कि 18 × 3 = 54 है, एंड RHS साइड को भी लोगे। RHS पे क्या लिखा है, 2 × x है, तो 2 × 18 + 18 कितना है, 36 + 18, तो हमारा 54 आ गया। तो आपको यहां पर आपको लिखना है LHS = RHS, जो कि चेक है। ओके, सेम टू सेम आपको सारे क्वेश्चन चेक करना है। आंसर पहले निकालना है वेरिएबल का आंसर, उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 5t - 3 = 3t - 5। सेम 5t, जो कि t यहाँ पर वेरिएबल है, 5t - 3t कर लेते हैं और -5 रखेंगे। ये जो -3 है, राइट को ट्रांसपोज होगा तो +3 होके जाएगा। तो यहाँ पर 2t = -2 होगा, क्योंकि 5 > 3 है, तो -2 उसका साइन लेगा, क्योंकि 5 का साइन नेगेटिव है, तो -2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या सॉल्व करना है, t को रखेंगे और कांस्टेंट को साइड पे ले लेंगे, राइट पे ले लेंगे। तो 2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होके था, यहाँ पर डिविजन हो जाएगा, तो -1 आंसर है। इसी -2 टी के जगह -2 आपको यहाँ पर पुट करके आंसर दिखाना है, चेक करना है LHS = RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 9 = 5 + 3x। तो 5x - 3x, क्योंकि 3x के जगह हमारा प्लस साइन है, और 5 - 9 हो जाएगा, 9 यहाँ पर प्लस है, राइट को ट्रांसपोज होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो 2x = कितना, -4, क्योंकि 9 > 5 और 9 का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस साइन रहेगा। और x = -4/2, ये 2 जो मल्टीप्लाई होके था, यहाँ पर डिवीजन हो गया, तो 2 को 4 को कैंसिल करेंगे और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है कि नहीं। मैं आंसर यहां पर लिख देती हूं, मैं बस आपको वेरिएबल निकाल रही हूं, आपको पर चेक करना है LHS = RHS, चेक करना है, मैं आपको जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाई हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 4z + 3 = 6 + 2z। 4z - 2z कर लेंगे, 6 - 3, तो 4z - 2z 2z, और ये 3z = कितना हो जाएगा, 3 और 2 नीचे आ जाएगा, हमारा आंसर है। सेम यहां पर आपको फ्रैक्शन मिल गया वेरिएबल का आंसर है, तो इसी फ्रैक्शन को आपको यहां पर पुट करके आंसर वैल्यू निकालना है। ओके, नेक्स्ट मैं चेक कर लेती हूँ एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन को। देखो 4 × 3/2, क्योंकि जेड हमारा यहाँ पर है, जेड का वैल्यू 3/2 आया है, +3 यहाँ पर रखा हूँ, ये LHS पहले मैं निकाल रही हूँ, तो 2 कितना आ गया, 2 6 + 3, जो कि 9 है। नेक्स्ट RHS निकाल लेंगे, 6 + 2
इंटू थ्री बाई टू, टू टू कट हो गया, नाइन एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस एक्स। तो टू एक्स यहां पर जो माइनस है लेफ्ट में ले आएंगे, क्योंकि वेरिएबल को हमको एक जगह ही लाना है, चाहे तो आप लेफ्ट पे ले सकते हो, अदरवाइज आप राइट पे भी ले सकते हो, पर लेफ्ट पे लिया तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आंसर यहाँ पर लेफ्ट ही लाना है। मतलब एक्स इजिकल टू, जैसे हम जेड इजिकल टू यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं, तो राइट पे वो जेड रहेगा, एक्स रहेगा, वाई रहेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए हमेशा आप ट्राई करना लेफ्ट को वेरिएबल को रखना और कॉन्स्टेंट को राइट पे रखना। तो 14 प्लस 1 ये माइनस साइन पे है, यहाँ पर गया ट्रांसपोज हुआ तो प्लस 1 हो गया। तो ये 3x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू कितना 15 बाय 3 जो कि 5 हमारा आंसर है। आपको मैंने आंसर निकाल के दिया, पर आपको यहाँ पर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस चेक करना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, 8x प्लस 4 को हमने रख दिया ऐसे, यहाँ पर हमको ब्रैकेट के अंदर एक स्टेटमेंट मतलब ये दिया गया है x माइनस 1 करके, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 3 प्लस 7 हो गया, करेक्ट। अभी हम वेरिएबल को एक जगह कर देंगे, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू ये जो माइनस 3 साइन को रखेंगे प्लस 7 को रखेंगे, ये जो प्लस 4 है राइट पे ले लेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, और ये कितना 8 माइनस 3 5x इज इक्वल टू ये कट हो जाएगा सारा, क्योंकि माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 ये प्लस 7 जीरो, एक्स इज इक्वल टू कितना 0 बाय 5 जो कि 0 हमारा आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 4 बाय 5 इंटू एक्स प्लस 10। जब ब्रैकेट रहेगा पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट के पार्ट को सॉल्व करना है। तो ऐसे कैसे करेंगे, देखो 4x प्लस 40 यहां पर डिवाइडेड बाय 4 रहेगा, आप ऐसे 5x कर सकते हो, क्योंकि ये जो 5 है ना यहाँ पर आप लेफ्ट में ले सकते हो। 5x इज इक्वल टू सेम 4x प्लस 40 रह जाएगा। नेक्स्ट हमको क्या करना है, 5x माइनस 4x हो गया, ये जो 4 है 5 तो कुछ नहीं होगा ना, ये जो 4 है मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ पर और यहाँ पर, है कि नहीं, हो सकता है, सेम टू सेम मैंने यहाँ पर किया हो गया। तो 5x मैंने ये जो 4x को वेरिएबल को एक जगह कर दिया और इस 40 को हमने रख दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 40 हमारा आंसर। अब इसी x को आपको पुट करना है यहाँ पर लेके, ये जो वैल्यू को x इज इक्वल टू 40 को, 40 को और यहाँ पर पुट करके यहाँ पर भी पुट करना है, जहां जहां पर आपको वेरिएबल दिया गया है ना सेम टू सेम वहां आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3। दोनों तरफ वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे 2x माइनस 3 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 15 और 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये जो 1 है राइट को ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, एल एस एस उसका 15 आएगा, तो 5 15 को 3 में डिवाइड करेंगे तो 5 5 इंटू 2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 10x माइनस इस 15 को 15 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 7x जो कि 7x एंड इसको आंसर निकाल देंगे, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 10x माइनस 7x 3x एंड ये जो 15 है 2 इंटू 15 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 3
टेन आंसर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2y प्लस 5/3 इजिकल टू 26/3 इजिकल टू माइनस वाई टू 26/3 माइनस वाई. तो दोनों तरफ वेरिएबल है तो वेरिएबल को एक जगह कर देंगे प्लस वाई और 26/3 ये फ्रैक्शन फॉर्म में कांस्टेंट है. नंबर मतलब कांस्टेंट, वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो या इंटीजर फॉर्म में हो तो 5/3 माइनस हो जाएगा. अभी क्या करेंगे 3y, 3y को वैसे रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 3 ये 26 माइनस 5 हो जाएगा और 3y इजिकल टू कितना 21/3 जो कि 7 है एंड y इजिकल टू 7/3 हमारा आंसर है कि नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 3m. क्वेश्चन में हर जगह वेरिएबल को चेंज किया है, आप जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसी वेरिएबल को ले सकते हो. उसका मतलब नहीं कि x y ऐसे मतलब देता रहे, पर यहाँ पर वेरिएबल m लिया है तो m को लेके सॉल्व करना है. 5m माइनस 8/5 तो 3m माइनस 5m हो जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन एंड 5 ठीक है. ये नेगेटिव पर जब रहेगा ना, अब थोड़ा ध्यान देना, 5-3 होगा पर साइन माइनस होगा, नेगेटिव साइन में रहेगा क्योंकि माइनस 5 इज ग्रेटर देन 3 है एंड यहां पर -8/5. देखो माइनस माइनस तो कट हो जाएगा तो ये जो m है 8/5 माइनस माइनस आप कट कर लोगे, दोनों तरफ माइनस है तो कट हो सकता है. 8/5 ये जो 2 है मल्टीप्लाई होके यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा और इस कट हो जाएगा 4. तो आंसर कितना है m इक्वल टू 4/5 और इसी 4/5 को आपको यहाँ पर फुट करना है, वैल्यू निकालना है LHS इक्वल टू RHS करेक्ट. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.